हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में आजकल बहुत कुछ हो रहा है और क्रिप्टो मार्केट जो है आज बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बिटकॉइन ने 30,000 के डॉलर को टच कर लिया है और हाईएस्ट इसका गया था 30,523 एंड लोएस्ट था 29,833 डॉलर। और इथेरियम जो है, हम उस पर भी चलते हैं। अब इथेरियम का हमने चार्ट ओपन कर लिया है। इथेरियम जो है वो हाईएस्ट गया 1920 डॉलर और 1855 डॉलर। जो ये मार्क है हमारा, क्या कहते हैं ये वाला, इस पॉइंट पे 1870, यहाँ तक ये करंट लोएस्ट में चल रहा है। तो जो इसका अपडेट आने वाला है, शंघाई अपडेट, वो कल आएगा ऑलमोस्ट, अब लगा लीजिए 17 घंटे बाद, या आप कह सकते हैं कि करीब 6-7 घंटे बाद इंडियन टाइम के हिसाब से यह अगला दिन होगा। और शिबा इनू देखिए हॉटबेड पे फोर्थ पोजीशन पे दिखा रहा है एंड शिबा इनू जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए इसका चार्ट जो है, इसमें काफ़ी अच्छा पैटर्न्स बन रहे हैं, यहाँ पे कैंडल्स भी अच्छी क्लोज हो रही हैं, यहाँ से फिर ये डाउन चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बनाया था कि ये कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा, जब इसके वर्जन और अच्छी न्यूज़ आएगी और बिटकॉइन की डोमिनेंस जब कम होगी तो ये पम्प करना शुरू करेगा। तो शिबा इनू काफ़ी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और हमारे पास डॉज का यहाँ पे हम चार्ट देख लेते हैं। डॉज में भी अभी कुछ निकल के नहीं आ रहा है खास। जब एलन मस्क ने अपलोड की थी इसकी लोगों को, तो भी हाई गया था, फिर ये डाउन आ गया, पर इस बस इसने ज़्यादा करेक्शन नहीं ली, नहीं तो इसको यहाँ तक आना चाहिए था, ये यहीं पे रुक गया। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। और ट्विटर पे चलते हैं अब हम। एलन मस्क, जैसे कि वो अपने पंगे लेते रहते हैं एंड बोन बुल मार्केट BTC, एक अंदेशा आ रहा है कि यहाँ पर बुल रन जल्दी आएगा। लवली इनू जो एक तरीके का हम कह सकते हैं अच्छा कॉइन है, बट इनकी कमिटमेंट थोड़ी दूसरी हो जाती हैं, तो इन्होंने एक पीच इनू जो है अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया है। एंड और शिबा के रिलेटेड क्रिप्टो जैकेट्स कह रहे हैं कि पहले क्या होगा, 10x सून इथेरियम जाएगा कि BTC जाएगा, इसे जाएगा। सन क्रिप्टो की तरफ से भी कुछ अच्छी न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है। शिबा इनू जैसे कि पहले 2021 में भी इस तरीके के आते थे पॉइंट्स, इस तरीके की फ़ोटोज़ आती थी, आज की डेट में फिर शिबा इनू की वही प्राइसेस आने लगने हैं। हो सकता है प्रीवियस ऑल टाइम हाई जाए। एंड शिबा इनू का देखते हैं अब हम। क्रिप्टो न्यूज़ पे चलते हैं। कैट कॉइन कोई नया है, कोई खास न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है। बाकी कह सकते हैं कि ये देखिए न्यूज़ आई है, सेटलमेंट बैंक फॉर क्रिप्टो एक्सचेंज, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अमेरिका के बैंक्स जो थे वो फेल हो चुके थे, अब हांगकांग के जो बैंक्स हैं वो आ रहे हैं सेटलमेंट्स के लिए। तो एक इनडायरेक्टली हांगकांग एक चाइना का पार्ट है, तो हांगकांग और चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, जैसे उसने पहले तो डंप करवाया, अब उसको पम्प करवा रहा है, वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में आपको कल को। थैंक यू फॉर दिस एंड कीप शेयरिंग द वीडियो।